इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से शनिवार रविवार को लॉकडाउन के असमंजस पर बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इंदौर में शनिवार रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया में इस संबंध में चल रही खबरें असत्य और भ्रामक हैं। दूसरी ओर रात 11 बजे तक शराब दुकानों के खुले रखने के प्रशासन के निर्णय पर देपालपुर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने सवाल उठाए हैं। पटेल ने पूछा है कि यदि रात 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और इसके बाद कोई व्यक्ति यदि शराब दुकान से शराब लेकर लौटेगा तो क्या उसे पुलिस बोतल या क्वार्टर दिखाने पर छोड़ देगी। वीडियो जारी कर विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए कई तरह के निर्णय लिए हैं, जिसमें बाजारों को रात 8 बजे के बाद बंद करना, शादी ब्याह को 10 बजे तक खत्म कर आदि शामिल हैं। लेकिन शराब दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की छूट देने का निर्णय समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा कि जब बाजार 8 बजे बंद हो जाएंगे, शादी का आयोजन भी 10 बजे तक खत्म करना है, तो शराब की दुकान रात 11 बजे तक खोलने का निर्णय क्यों लिया गया है। पटेल ने निर्णय का विरोध कर इसे बदलने की मांग की है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरे सरकार का एक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इंदौर में क्राइसिस मीटिंग होती है और उसके अंदर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन एक निर्णय ऐसा लिया जाता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के हिसाब से जो कि उस क्राइसिस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उस क्राइसिस मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया गया, शादी ब्याह 10 बजे बंद हो जाएंगे, 8 बजे सभी होटल्स बंद हो जाएगी, लेकिन शराब की दुकानें रात को 11 बजे तक चालू रहेगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ समस्त सरकार के नुमाइंदों से कि क्या रात को 11 बजे तक अगर शराब की दुकानें आप खोलेंगे और 10 बजे आप कर्फ्यू लागू कर देंगे तो उस कर्फ्यू में एक घंटे का पास क्या क्वार्टर रहेगा या एक बॉटल रहेगी? हर एक व्यक्ति अगर कोई निकलता है घर से या बाहर से कोई शादी अटेंड करने के बाद निकलता है और उसके बाद अगर पुलिस उसे रोकती है कि कर्फ्यू के अंदर कहाँ जा रहे हो तो क्या उसको एक क्वार्टर या एक बॉटल उसको दिखाना पड़ेगी? मुझे शर्म आती है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे और मुझे शर्म आती है सरकार के ऐसे निर्णयों के ऊपर कि जो भी डिसीजन आप लें इस जनता के हित में लें। क्या जिस प्रकार से आप लोगों ने डिसीजन लिए ये क्या सही थे? और अगर ये सही थे तो फिर मुझे बहुत ही ताज्जुब है यहाँ के जनप्रतिनिधियों, भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर बहुत ताज्जुब होता है, उनकी सोच के ऊपर कि आप एक तरफ तो लॉकडाउन करते हैं, रात को कर्फ्यू लगाते हैं और एक तरफ आप इन्हीं को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ सरकार को चिंता है, मध्य प्रदेश की सरकार को सिर्फ चिंता है राजस्व की, लेकिन आम जनता की, उनकी जान की चिंता नहीं है। मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब है, मैं इस चीज़ की निंदा करता हूं और जल्द से जल्द मैं शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि इस डिसीजन को चेंज किया जाए ताकि है कि हिंदुस्तान की जनता और इस मध्य प्रदेश की जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे और इस कोरोना से महामारी के अंदर कम से कम बची रहे।